नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो नंबर 5 में हुए लाखों के घोटाले मामले में डिपो अधिकारी सहित 4 कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रबंधक कुमाऊं महेंद्र चंद्र आर्या ने निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रभागीय विक्रय प्रबंधक ने स्थानीय कोतवाली में वन निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। गौरतलब है कि उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो नंबर 5 में 17 जून 2023 को प्रखष्टा की नीलामी संपन्न हुई थी। नीलामी के उपरांत क्षेत्रीय प्रबंधक वन विकास निगम हल्द्वानी द्वारा संपन्न हुई नीलामी से संबंधित प्रपत्रों की जाँच की गयी, तो जाँच के दौरान प्रपत्रों में काफी अनियमितताएं पाई गयी। लॉटों की नीलामी प्रभागीय विक्रय प्रबंधक द्वारा विक्रय की गई लॉट की वास्तविक धनराशि एवं डिपो कार्यालय से क्रेताओं को प्रेषित अनुमोदन पत्र में अंकित धनराशि एवं लॉट के बिलों में अंकित धनराशि में अंतर पाया गया। कुल 17,94,500 रुपए में बिक्री की गई लकड़ी एवं डिपो के उक्त कार्मिक द्वारा कूट रचित तरीके से हेरा फेरी करते हुए 9,17,000 रुपए का बिल बना दिया तथा समस्त विक्रय लॉटों की निकासी डिपो से कर दी गई। डिपो के उक्त कार्मिकों द्वारा गलत इनवॉइस तैयार कर क्रेताओं को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए धनराशि 8,77,500 की राजस्व की उत्तराखंड वन विकास निगम को क्षति पहुंचाई है। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टिय जांच करने पर डिपो में कार्यों में संपादित करने वाले डिपो अधिकारी 2 कर्मचारी व 1 आउटसोर्स कर्मचारी सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रभागीय विक्रय प्रबंधक अनिल कुमार सिंह द्वारा लालकुआं कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। लालकुआं डिपो नंबर 5 में निलाम में जो हमारा लकड़ी प्रकाश का जो विक्रय है उसके मूल्य में कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसकी मेरे द्वारा जाँच वहाँ के DSM से कहा गया, उन्होंने जाँच करी। तो पहले दिनांक 17 जून 2023 के निलाम में लगभग 8,77,000 रुपया का कुछ मामला सामने आया, जिसमें ये देखा गया कि जिस मूल्य पर नीलाम लकड़ी बिकी उससे मूल्य कम बिलों में कर दिया गया। वहाँ के कर संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों के द्वारा क्रेताओं के साथ मिली भगत करके उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करी, और ये तो बड़ा संज्ञेय अपराध है। तो ऐसे में उनके जो विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं, निलंबन इत्यादि सब कुछ तो होगा ही होगा। साथ ही क्योंकि ये गबन का मामला, तो इसमें पुलिस कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा रही है। तो FIR दर्ज हो चुकी है और कर्मचारी का निलंबन भी हो चुका है। प्रथम दृष्टया एक वहाँ के डिपो अधिकारी हैं और एक वहाँ के लेखा कार्य देख रहे थे वो हैं, और एक उनको लिखने कार्य में जो उनकी सहायता सहायक थे वो 3 कर्मचारी हैं। प्रथम दृष्टया वन निगम के और एक आउटसोर्स का कर्मचारी है, 4 कर्मचारी, समस्त 4 कर्मचारी इसमें लिप्त है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।